सब लोग अपनी कॉपी में बच्चों, अपन ने जितना यहां से शुरू, ये जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स अभी सीखी हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं बेटा, उसमें जो मोलारिटी और मोलालिटी है ना, ये हम लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक बहुत फेमस सवाल आता है, पूछा जाता है कि अमंग लिखना है हमको, नोट है हमारा ये, अमंग मोलारिटी जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलालिटी जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमंग मोलारिटी एंड मोलालिटी कॉमा डैश इज अ बेटर। अब डैश मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सर हमें तो पता नहीं हम कैसे जवाब देंगे। बेटा मैं बता देता हूँ, एक्चुअल बेटा आदमी को मतलब लैब में, अगर आप लैब अटेंडेंट की आपकी नौकरी लगे तो आप कभी भी किसी भी सोल्यूशन में उसकी मोलालिटी का स्टिकर चिपकाना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ये। ऐसा क्यों है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इसका रीज़न। तो सच्चाई है मोलारिटी और मोलालिटी में हम किसे बेटर कंसंट्रेशन टर्म मान रहे हैं? हेलो, किसे मान रहे हैं, तुतला के बोलने वाला कि नॉर्मल? मोलालिटी को, बिल्कुल सही है। क्यों सर, ऐसा क्या है मोलालिटी में जो वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा उचित है उसका स्टीकर या उसका कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करना? रीज़न लिख रहे हैं बेटा, पहले आप हिंदी सुन लो बेटा। रीज़न ये है कि जो मोलालिटी होती है उसमें ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे आता है बेटा वेट। और जो हमारी मोलारिटी होती है उसमें न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे आता है वॉल्यूम। हेलो, अब बेटा मेन यही दिक्कत है, पता है क्या दिक्कत है बेटा, टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम को फर्क पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से मास को बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कोई टेबल, कोई स्टिकर, मान लो हमने कोई सोल्यूशन बनाया होगा मई के महीने में, तो हमको दिसंबर में भी वही कंसंट्रेशन टर्म मानने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम में फ़र्क पड़ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, बात समझ में आ रही है? इसको हिंदी में लिख ले, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, रीज़न लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे बेटा इन मोलालिटी, नहीं ये मत लिखो, सीधा ये लिखो कि विथ टेम्परेचर चेंज, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखिए, विथ टेम्परेचर चेंज अ लार्ज डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑल्सो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बेटा, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, शायद आप ये जानते भी हो भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई चीज़ की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। कॉमा करके लिखेंगे बट मास हैज़, अब ऐसा नहीं होता बेटा मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है पर नगण्य, तो अपन मान लेते नहीं पड़ा, तो मास हैज़ निग्लेजिबल इफेक्ट, किसका? ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो शायद अब आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा कि क्योंकि सर मोलारिटी में वॉल्यूम है तो वो ठंडी में कुछ और, गर्मी में कुछ और, बर्फ की जगह में कुछ और, पहाड़ियों में कुछ और गर्म रेगिस्तान में कुछ और, लेकिन मोलालिटी सर कहीं ले जाओ बॉटल को, लेक्स लगभग सेम रहेगी, शायद एक किलो बर्फ़ या एक किलो पानी के वजन में बहुत फ़र्क नहीं होता, वैसे कोई फ़र्क नहीं होता, नहीं एक किलो ही बोल रहा हूँ मैं खैर इतनी बात शायद समझ में आती है सबको। हेलो हेलो, हालांकि नोट टू मुझे नहीं लगता आपको स्कूल में बहुत काम आएगा, इसलिए नोट टू में आप ऐसे ही जेई डाल दो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है बात बच्चों, क्या सबसे पहले मैं आपको इसमें स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, लिखेंगे बच्चों फॉर डाइल्यूट एंड एक्वस,
सॉल्यूशन कॉमा स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम। पहले स्टेटमेंट लिखो। इस स्टेट में बेटा मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि सर कोई भी चीज़ डाइल्यूट कब होती है। व्हाट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन बच्चों? नहीं बेटा, बेटा कोई भी चीज़ डाइल्यूट तब होती है जब सॉल्यूट बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट जब पानी होता है बेटा तब आप ज़रूर ये कह सकते हो, पर डाइल्यूट का भाई मान लो मैं रू अफ़ज़ा में नमक डाल रहा हूँ, तो मेरे लिए रू अफ़ज़ा सॉल्वेंट है, नमक सॉल्यूट है। हेलो हेलो हेलो। तो डाइल्यूट का अर्थ होता है जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है सॉल्वेंट की। और एक्वस का क्या मतलब होता है बच्चों? हम किसी भी सॉल्यूशन में एक्वस कब लिखते हैं? जब सॉल्वेंट हम फिक्स कर चुके हैं, सॉल्वेंट अब और कोई नहीं है, कौन है? कौन है? पानी। इतनी बात समझ में आती है सबको? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। क्यों सर, डेफिनेशन तो अलग अलग दोनों की, तो कैसे सेम हो गया? आइए देखें बेटा, थोड़ा सा कोशिश करना जो बता पाए, जो बोल पाए वो बोले, क्लास इंटरैक्टिव रखे। बेटा मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अगर बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में एमएल में पुट करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? ठीक है बेटा, अगर सॉल्यूशन, अगर मेरा मैं आप कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, बेटा अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यही ना बराबर होगा बेटा किसके किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, बोलो। बेटा मैंने जान के लिखा भी ऐसे है, मैंने ना जान के प्रयास किया है कि मैं सॉल्यूट बहुत छोटा लिखूं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट बहुत कम है, अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो उसका वॉल्यूम, वजन, नंबर सब कम होगा। तो बेटा अगर वो बहुत कम है तो आप ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सर ये तो अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही है ना, बहुत नगण्य है। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। इतना लिखो तो इतना लिखो, छापो तो हाँ बोलो। तो अगर इतनी बात हमको समझ में आती है तो हम तो यहीं पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है सर, तो मैं नॉर्मली बात नहीं बात कर रहा, मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ। यहीं पे आप भले इसको नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, तो मोलारिटी आप ये नहीं लिख सकते देयरफॉर करके, क्योंकि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml लिख सकते हो? नहीं। हेलो यस सर, लिख सकते हो ना भाई? डिनोमिनेटर में इसकी जगह मैंने ये लग दिया, क्योंकि सर सॉल्यूट लगभग है जीरो है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ऐसा आप मेंशन कर रहे हो। यहाँ तक बढ़ गए? आगे बढ़े? yes, चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फिर से। अब बेटा मुझे इस चीज़ पे गौर करना है, तो मैं लिखूँगा सिंस सिंस सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या है बच्चों? सॉल्यूशन क्या है बच्चों? और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट डिसॉल्व।
नहीं, सॉल्वेंट पानी है, ये कैसे पता? क्योंकि मैंने लिखा है डाइल्यूट एंड एक्वस, मैंने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया। देखो बेटा, मैंने फॉर डाइल्यूट एंड एक्वस के लिए बात कही है, तो मतलब मैं एक्वस भी लूंगा ना। हेलो हेलो, तो बेटा अगर सॉल्वेंट वाटर है ना बच्चों, तो बेटा डेंसिटी पानी की होती है 1 ग्राम पर ml। जानते हो आप लोग कि नहीं जानते? जानते हो तो जान लो, ये होता है फॉर वाटर। पानी की डेंसिटी क्या होती है? पता है तो और करके हम लोग लिख सकते हैं, डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। तो पानी का मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट 1 ग्राम पर ml। हेलो, तो बच्चों अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वजन बराबर होगा। हेलो, वॉल्यूम जो ml में होगा, वजन जो ग्राम में होगा, वो बराबर होगा। हेलो, मतलब अगर 10 ग्राम होगा तो 10 ml होगा। हेलो हेलो हेलो, हटा दूं इसको, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, देयर फॉर वे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो अगर सॉल्वेंट पानी है, हम पानी मान रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो ml में होगा, इट विल बी नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्वेंट जो ग्राम में होगा। केवल पानी के लिए बस बेटा। देयर फॉर आप जरा गौर करो, जो हमने लिखा हुआ था, हमने लिखा था अभी तक मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर डाइल्यूट था तो नीचे डाल दिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और अगर एक्वस है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की जगह डाल दूंगा, दे रहा हूं मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर 1000 था भी। तो बेटा ये सारी चीज किसके बराबर हो गई? अरे सर, ये तो मोलालिटी का फॉर्मूला है। हेलो, तो हमने प्रूफ कर लिया कि सर सच्चाई है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है और एक्वस है ना, तो जो उसकी मोलारिटी की वैल्यू होगी लगभग वही मोलालिटी भी होगी, दोनों वैल्यू सेम होगी। हेलो हेलो,